बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को वेट था कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जिसे जीसीयूएफ कहा जाता है, उसके अंदर बीए बीएससी एमए एमएससी के रजिस्ट्रेशन जो सेकेंड एनुअल है, उसका स्टार्ट, उसका आगाज कब होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है सिंगल फीस, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इंशाल्लाह ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम बातें जो भी है, वट एवर हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, बैंक का चलान पे करना हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन करनी हो, या जॉब के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी जॉब, किसी भी बैंक, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इदारे में या किसी भी शॉप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल कर सके। विद मिनिमम पैसों के साथ आप हमारे से सर्विस इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 03012027670, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करें और हमारे सर्विस को यूज करें। अब बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपली आपने गूगल ओपन करना है और सर्च करना है जीसीयूएफ। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। हम प्रॉपर पोर्टल को ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल है। अब यहाँ पे मैं जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फर्स्ट टैब पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाती हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ पे एनुअल, एनुअल पे जाके आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो कहते हैं हदायत ऑनलाइन प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट नंबर पे जो है वो अपनी तमाम बुनियादी और जरूरी मालूमात मुतलका कॉलम्स फील्ड में दर्ज करें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपनी मालूमात जो है, अपनी इन्फॉर्मेशन एडअप की, उसको दोबारा पढ़ लें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रिंट कर लें और अपनी फॉर्म को तस्दीक करवाएं, और उसके साथ साथ तमाम तस्दीक शुदा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पंजाब का डोमिसाइल कार्ड की कॉपियां और एम ए एम एस सी वाले असल साथ एन ओ सी भी लिफ्ट करेंगे। ठीक है, एम ए एम एस सी एम ए वाले साथ असल एन ओ सी भी लिफ्ट करेंगे। फॉर्म के साथ प्रिंट शुदा वाउचर को एम सी बी बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने सबमिट करवाना है। अदाशुदा फीस चलाने के मुतलका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाएं और फॉर्म मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जमा करवाएं। नोट, पहले से रजिस्टर शुदा रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करें, पहले से जारी करदा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करें। इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बजरिए डाक, जो कि हर लिहाज से मुकम्मल होंगे, मुकर्रर तरीकों के अंदर ही वसूल किए जाएंगे। गैर मुकम्मल फॉर्म या मुकर्रर तरीके के बाद मसूल शुदा फॉर्म के रजिस्ट्रेशन आज जुर्माने की वसूली के बाद की जाएगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद किसी गलती की दुरुस्ती फी वाउचर चलान फीस सेक्शन में बनवाएं और मुतलका बैंक में अदा करने के बाद दरखास्त रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जमा करवाएं, मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ लिफ्ट करें। अब यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन की जा रही है फीस के हवाले से। यहाँ पे आप सिंगल फीस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये पुराना ओल्ड मेंशन है, यहाँ पे एनुअल का सारा कुछ ओल्ड भी मेंशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ ओल्ड मींस कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट एम एम एस सी एसोसिएट डिग्री, एसोसिएट डिग्री इन साइंस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एनुअल की, ये सेकंड एनुअल है और ये फर्स्ट एनुअल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया ट्रिपल फीस के साथ। यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो आप फर्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सीएनएससी नंबर रजिस्टर्ड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सीएनएससी नंबर रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही रजिस्टर करता हूँ तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपने बीए के लिए करना है या एडीएस के लिए करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बीए के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड एनुअल स्टार्ट है। यहाँ पे नाम लिखता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर, यहाँ पे पेरेंट का नाम बशीर अहमद, यहाँ पे साइज आपने तस्वीर वो चूज करें जिसकी 25 MB तस्वीर हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं तस्वीर चूज करता हूँ, ये मेरे सामने ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 MB की है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, कोई नोटिफिकेशन जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके जो है वो आपने नोट करवाना है, या गार्डियन का नेम बशीर अहमद एग्जाम्पल के तौर पर मेरे। यहाँ पे मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 2027670। ठीक है, आपने इस बात को मद्देनजर रखना 20-2670। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपके पास जो वैलिड है, अपने ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ईमेल एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस यूज करना है, कोई और गलत नहीं यूज करना। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिस्कस करने चला हूँ मैं।
यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे रिलीजन हमारा इस्लाम है, यहाँ पे जेंडर मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड अनमैरिड एंड डिवोर्स है वो चूज करेंगे, यहाँ पे अर्बन शहरी यानी दाती वो चूज करेंगे, सिलेक्ट एरिया लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं भावनगर से हूँ तो भावनगर सेलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे सिलेक्ट डिग्री, आपने ब्लड ग्रुप अपना सिलेक्ट करना है अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप अपनी तरफ से ही लिख दें कोई मस्त नहीं होता। यहाँ पे अपने पोस्टल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पर पोस्ट ऑफिस BW कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अपने पासिंग आपने जब FSC पास की वो आपने चूज करना है 2017, मैट्रिकुलेशन पास की, यहाँ पे मेरे टोटल मार्क्स आ गए, यहाँ पे आ गए 1100, यहाँ पे बोर्ड कौन सा था, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर था। अब इंटरमीडिएट की बात आती है तो इंटरमीडिएट के अंदर मैं 2020 के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर पास किया, यहाँ पे मेरा ये मार्क्स है, ये आपने सारा कुछ इंटर करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा बोर्ड 22 कुछ ना वाला था। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म अपीयर अप हो जाएगा, वो कहते हैं एडेड एप्लीकेशन एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपने जैसे इस तरह आया आपके सामने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर मेंशन किया उसको सर्च करना है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी, एक ईयर 21 के लिए, अभी जो पिछले साल 21 के अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन का इनके लिए ओपन है, यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके सामने प्रिंट अप हो जाएगी। यहाँ पे वाउचर पे क्लिक करेंगे तो वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद वाउचर कितने का आता है, तो आपके सामने बता दूं कि 2000 का वाउचर आपके सामने आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे 2000 का वाउचर आएगा उसकी ड्यू डेट हम देखते हैं कि ड्यू डेट क्या है, 20 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, 20 जुलाई तक इशू डेट जगम को है, 20 जुलाई तक लास्ट डेट अपने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर सबमिट करवा के यहाँ पे क्या करना है, एक कॉपी जो है यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी है, बैंक कॉपी है, यूनिवर्सिटी कॉपी है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी, ये आपने अपने पास रख लेनी है, ये बैंक रख लेगी, ये दो कॉपीज आपने क्या करना है सेंड करनी है यूनिवर्सिटी को। अब बात याद है कि ये प्रिंट फॉर्म जो है, ये प्रिंट फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट है, यहाँ पे आप जैसे अप्लाई डेट कौन से डेट को किया है, यहाँ पे ये भी चीजें मेंशन है, यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी। अब यहाँ पे चेक लिस्ट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास मैट्रिक, आपको इंटरमीडिएट का, अभी ग्रेजुएशन का जिन लोगों ने BA BSc के लिए तो उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होना, वो नहीं कि यहाँ पे देंगे, उसके बाद स्टूडेंट CNIC, फादर CNIC, अटेस्टेड पिक्चर, NOC ओरिजिनल, पेड फी वाउचर, कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपने वो भी साथ अटैच करना है। हर लिहाज से मुकम्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ब्रांच में जमा करवाएं, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत मौजूद किया जा सकता है। यहाँ पे सारा कुछ करना है, अटेस्टेड बाय ऑफिसर्स, अटेस्टेड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे मेंशन एप्लीकेंट रिसेप्ट, यहाँ पे एप्लीकेंट की रिसेप्ट आप यहाँ पे अपने पास रख लें, यहाँ पे सारा कुछ अपने पास ही रख लें, ठीक है, इसको या साथ लेकर रहने में इसको कोई इशू वाली बात नहीं, ये होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेंड कहाँ पे करना है, गवर्नमेंट ऑफ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इलाहाबाद अकबर रोड, यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनुअल यहाँ पे है, और आपने सेंड कहाँ पे करना है आपको बताता चलूँ कि आपने सेंड करना है रजिस्ट्रेशन ब्रांच BA BSc यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, इसको TCS करना है। जैसे ही वहाँ पे पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जैसे ही TCS करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सेकंड स्टेप क्या करना होगा, आपने जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके घर पे रिसीव होगा आपको, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर, यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल के अंदर यहाँ पे एडमिशन की बात की जाती है। जैसे एडमिशन की बात की जाती है तो प्राइवेट स्टूडेंट है या एफिलेटेड कॉलेज है, या अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, जैसे ये देख सकते हैं GCUF की तरफ से इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे आप CNIC नंबर मेंशन करेंगे, कोई भी CNIC नंबर एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको यहाँ पे CNIC नंबर होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप यहाँ पे एडअप करके अपने आपको यहाँ पे लॉग इन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लॉग इन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अभी लॉग इन नहीं हो रहा। जब मेरे पास CNIC मेरा नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल जाएगा तो उसके साथ मैं लिंक करके यहाँ पे फिर अप्लाई करूंगा। ये है सेकंड स्टेप, जब हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाएगा, तो इसके लिए आपको कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पे फाइंड एप्लीकेशन के साथ हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रैक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की अभी तक किसी ने नहीं की होगी, अगर इस तरह की मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जजाकल्लाह।